नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। कोरोना वायरस का तीसरा वेरिएंट यानी कि तीसरी लहर न्यू वेरिएंट लगातार अपने पैर पसार रहा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के बीच भारत में तीसरी लहर की शुरुआत शायद अब हो चुकी है। देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। दिल्ली में कोरोना के 6,360 एक्टिव केस है। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में यह आंकड़ा करीब 8,000 को छू गया है। हरियाणा के बाद उत्तराखंड भी कोरोना की लहर से अछूता नहीं रहा। नैनीताल के नवोदय विद्यालय में 85 बच्चों के कोविड पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। कुल मिलाकर देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से लगातार चिंता बढ़ रही है। कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, पर क्या बढ़ती स्पीड पर ब्रेक लगेगा? अगर लगेगा तो कैसे, यह चिंता की बात है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक रविवार को देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,553 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं कोरोना से पिछले 24 घंटे में 284 लोगों की मौत भी हुई। इसी दौरान बीते एक दिन में 9,249 रिकवरी रेट भी दर्ज किया गया। देश में ओमिक्रॉन के 1,525 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। कोरोना से हुई कुल मौतों का आंकड़ा 4,81,770 पहुंच चुका है। वहीं अगर एक्टिव केसों की बात की जाए तो एक्टिव केसों की संख्या 1,22,801 बताई जा रही है। यह तीसरी लहर की दस्तक, यह तीसरी लहर की शुरुआत है। खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा कि ओमिक्रॉन के न्यू वेरिएंट से किस तरीके से खुद को बचाकर आप रखें, क्योंकि कोरोना का जो नया वेरिएंट है यह बेहद खतरनाक है। इसके साथ ही पुराने वेरिएंट की अगर बात की जाए तो उसके भी संक्रमित अब सामने आने लगे हैं। ऐसे में अगर दोनों की जुगलबंदी होती है तो क्या खतरा और बढ़ सकता है, इस पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले कुछ अहम सवाल आपको दिखाते हैं। अलर्ट हुआ जारी, कितनी है तैयारी? डेल्टा वेरिएंट से खतरनाक है ओमिक्रॉन, क्योंकि जिस तरीके से स्पीड बढ़ रही, बढ़ते मामलों को रोकना कितनी चुनौती? क्या लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है देश? वैक्सीनेशन अभियान क्या है पूर्ण निदान? ये तमाम अहम सवाल और इन सवालों पर हम करेंगे चर्चा अपने पैनलिस्ट के साथ और आपको करेंगे सचेत कि किस तरीके से आप कर सकते हैं अपना बचाव, क्योंकि ओमिक्रॉन के जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं न्यू वेरिएंट के, वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। सवाल आपका, में हमने फोन नंबर्स ओपन किए हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपके जहन में भी कोविड के न्यू वेरिएंट को लेकर कोई सवाल चल रहा है तो आप इसमें चर्चा कर सकते हैं। हमारे साथ सवाल आपका में डॉक्टर सतबीर चौधरी हैं, पूर्व डीजी हेल्थ हरियाणा से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सतबीर इस चर्चा में आने के लिए और खबर फास्ट पर समय देने के लिए। सर, आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी, बहुत अच्छी जागरूकता आपका चैनल कर रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके अलावा आपकी चैनल पे मैं नए साल में पहली बार आ रहा हूँ, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जी डॉक्टर सतबीर, आपको भी नया साल। एक बात मैं शुरू में ही बता दूं, आपने कहा कि ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा खतरनाक इसलिए नहीं है कि ये छाती को कम पकड़ता है, गले को ज्यादा पकड़ता है, अभी तक जो हमारे पास जानकारी है। तो मौतें तो डेल्टा में ज्यादा हो रही हैं। ओमिक्रॉन में जैसे अमेरिका में 5,00,000 से ज्यादा केस हो गए हैं, ब्रिटेन में बहुत ज्यादा केस हो गए हैं, लेकिन डेथ बहुत कम हो रही है। खतरनाक बात इसकी है, फैलता बहुत तेजी से है। मतलब आप किसी आदमी को 1 मिनट 2 मिनट भी मिलोगे तो उसी से ये पकड़ लेगा आप। बिल्कुल डॉक्टर सतबीर, ऐसे बहुत से अहम सवाल हैं जो इस चर्चा में मैं आपसे करना चाहूंगा। फिलहाल नए साल की आपको बहुत शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें और हमारी जनता को और हमारे दर्शकों को यूं ही जागरूक लगातार करते रहें, इस चर्चा में इसी तरीके से आगे भी शामिल होते रहें। धन्यवाद सौरभ जी, धन्यवाद। डॉक्टर सतबीर, मेरा अहम सवाल आपसे यही है कि ओमिक्रॉन के लगातार
आंकड़े जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, आपने कहा कि खतरनाक डेल्टा से कम है, क्योंकि इसमें मॉर्टेलिटी रेट की बात की जाए तो वो बेहद ही कम है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं चौंका रहे हैं। कुल मौतों की अगर बात की जाए पूरे देश में 4,81,080 मौतें हो चुकी हैं, तो ये आंकड़ा डॉक्टर सतबीर मेरे हिसाब से और या फिर आपके हिसाब से एक नज़रिए से देखा जाए तो, एक सामान्य नज़रिए से तो ये चौंकाने वाला है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी गंभीरता का विषय बनता जा रहा है ओमिक्रॉन, और केसेज आ रहे हैं। हरियाणा सरकार की बात की जाए तो हरियाणा सरकार भी पूरी तरह सतर्क है, स्कूलों को बंद कर दिया गया, एम्यूजमेंट पार्क्स को बंद कर दिया गया, तमाम जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की जो जगह थी उनको कहीं ना कहीं पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं सरकार की तरफ से। ऐसे में तीसरी लहर की बढ़ती रफ्तार कितनी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि जद में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले रही है। सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है जी। लेकिन खौफ और डर हमें क्रिएट नहीं करना। तीसरी लहर अब लगभग आ ही चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है जी। ये अच्छी बात है कि इसमें मौत कम है, लेकिन नेगेटिव बात यह है बहुत तेजी से फैलता है जी। ये नहीं होना चाहिए कि सांप निकल गया फिर रस्सी फिर लाठी पीट रहे हैं। बिल्कुल, अभी सही टाइम है, इसी समय पे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन लेनी चाहिए। लेकिन होता उल्टा है, जब बुरा हाल हो जाता है 10 दिन बाद 5 दिन बाद सब हाई तौबा शुरू हो जाती है, फिर मैयत लिए जाते हैं, फिर उसका कोई फायदा नहीं होता जी। अब पिछले डेढ़ दो महीने से तो मैं आपकी चैनल पर भी 3-4 बार बात कर चुका हूँ, कोई सरकार की बिल्कुल वो कहते हैं ना जू नहीं रेंग रही, अभी तक ये हाल था। नहीं, सही कह रहे। अब 1-2 दिन से थोड़ा सा सरकार को थोड़ा सा लगा है भी शायद कुछ हमें करें, लेकिन तेजी से जितना तेजी से होना चाहिए वो नहीं हो रहा। एक गांव में कहावत है कि अगर 50 लोगों की बारात आ रही है तो 100 लोगों का खाना बनाते हैं जी। तो अगर हमें शक है कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है तो हमें बहुत ज्यादा इंतजाम करने चाहिए, लेकिन इंतजाम लगभग ना के बराबर है, ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। हमें पूरे इंतजाम करने चाहिए, नहीं आएगी तीसरी वेव तो बहुत अच्छी बात है, बहुत हमारे लिए किस्मत की अच्छी बात है कि तीसरी वेव ना आए। लेकिन अगर तीसरी वेव जो इस समय हाल अमेरिका में या ब्रिटेन में या फ्रांस में हो रहा है, अगर वो हाल होगा तो भारत में डेफिनेटली मौतें ज्यादा होंगी, जबकि इतना खतरनाक वेरिएंट ना होते हुए भी मौतें भारत में काफी ज्यादा होंगी, हो सकती हैं। ये अच्छी बात है कि क्योंकि ये लंग्स को कम डेल्टा वेरिएंट से कम इन्फेक्ट कर रहा है लंग्स को जी। तो लगता नहीं इस बार उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की कमी होगी, वो हाल होगा जी। लेकिन जब केसेस बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम तो होएगी जी। अभी भी इस समय स्वास्थ्य मंत्री का 3 दिन पहले मैं बयान पढ़ रहा था कि 780 पद डॉक्टरों के खाली पड़े हैं हरियाणा में। अब वो 2-3 साल से कहते रहते हैं पद भरेंगे, अब कोरोना के बहाने ही भर लें, वैसे नहीं भरते। तो एक हिसार में हॉस्पिटल बनाया था, एक पानी में हॉस्पिटल, एक पानी एक में सवाल है। आप सही कह रहे हैं कि वो पदों को जो खाली पद पड़े हुए हैं उनको भरना चाहिए, जिससे कि स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मुहैया कराई जा सके, क्योंकि जब पद ही भरे नहीं होंगे तो कैसे डॉक्टर्स आप डिप्यूट कर पाएंगे, क्योंकि स्थिति बिगड़ती है तो संभालने वाले लोग भी चाहिए। बहुत सही बात आप कह रहे हैं डॉक्टर सतबीर, मैं आपके पास आऊंगा। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ मध्य प्रदेश से हैं, करीम खान साहब जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं और आपके पास आता हूं मैं। करीम खान साहब स्वागत है, सवाल करिए। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों को बुला के क्या उनसे संज्ञान लिया है कि ये वेरिएंट आ रहा है तो हमें क्या तैयारी करना चाहिए। अभी पिछले समय में कोरोना का जो दर्द हमने सहा है, हर चीज में अपना अपना खोया है, तो सरकारी क्या इस ओर सचेत है और चुनाव रद्द हो सकते हैं, बाहर की फ्लाइटें रद्द हो सकती है, क्यों नहीं रद्द होती? डॉक्टरों से सलाह मशवरा करके इनको बाहर की जो फ्लाइटें आ रही है उनको रद्द करना चाहिए और चुनाव को रद्द करना चाहिए। चुनाव आयोग अभी एक्टिव नहीं है, चुनाव आयोग जैसे ही एक्टिव हो तो मैं चाहता हूं कि ये सारे प्रदेशों 5 प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं इसको रद्द करना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया करीम खान साहब अपना सवाल रखने के लिए। रिएक्शन में डॉक्टर सतबीर से ले लेता हूँ। डॉक्टर सतबीर, करीम खान जिस तरीके से बता रहे थे, एक दर्शक हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि सरकार क्या संवेदनशील है इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि सेकंड वेव का खतरा पूरी दुनिया ने झेला था और अगर बात की जाए तो काफ़ी लोगों ने अपनों को खोया था। ऐसे में क्या अब थर्ड वेव के खतरे को लेकर सरकार तैयार है? क्या स्वास्थ्य विभाग के साथ कोई बड़ा फैसला सरकार ले सकती है? क्या कुछ कहना है उनके सवाल पर आपका? सबसे पहली बात तो ये जरूरी है कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क खत्म होना चाहिए जी। आप आदेश जारी कर देते हो, निर्देश जारी कर देते हो, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, और मंत्री और बड़े अफसर
बिल्कुल नहीं मान रहे, उसका ऐसे निर्देश देने का क्या फायदा। तो जैसे आमतौर पे कहते हैं ना भाई, दफ्तर में कोई बैठा है, कोई मिलने वाला आ गया, अभी तीन चाय लेके आना, चाय लेके आना, ऐसे ऐसे कर दिया चाय लेके आना, तो वो बात है। लोग ये बात समझते हैं कि निर्देश जरूर जारी कर रहे हैं, गाइडलाइन जरूर जारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार ही जब सीरियस नहीं है तो लोग कैसे सीरियस होंगे। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। जो निर्देश जारी कर रहे हैं वो लगने चाहिए कि निर्देश जारी हो रहे हैं, तब जाकर के बात बनेगी। सिर्फ कहने कहने से निर्देश जारी कर दिए बात नहीं बनेगी। तो डॉक्टर सतबीर, क्या आप मानते हैं कि अलर्ट जारी कर दिया गया, तैयारी पूरी तरह से अब नहीं है? क्या माना जाए कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरी तरह से अब तैयार है? अगर थर्ड वेव जिस तरीके से शुरुआत हो चुकी है, अमेरिका अगर फ्रांस की बात की जाए तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। अमेरिका में अगर बात की जाए तो हर 24 घंटे में 2 लाख मामले, वहीं फ्रांस और ब्रिटेन में भी 1 लाख से ऊपर का आंकड़े सामने आ रहे हैं। फ्रांस की बात की जाए तो 1,29,000 से ज़्यादा मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए, और अगर ब्रिटेन की बात कर लें तो ब्रिटेन में भी ये मामला तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा सामने आ चुका है पिछले 24 घंटों का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे में क्या ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो इन देशों के शुरुआती चरण को और शुरुआती जो हवा है उसको देखते हुए क्या माना जाए कि भारत में भी अभी आंकड़े और ज़्यादा बढ़ सकते हैं? क्योंकि सेकेंड वेव में कुछ इसी तरह से हुआ था, इटली अमेरिका के बाद तस्वीरें आगे बढ़ती रही थी और केसेस बढ़ते रहते, और फिर भारत में भी आ गई थी सेकेंड वेव। में कोई शक नहीं है कि सरकार को जितना करना चाहिए उतना नहीं किया गया। 2 साल कोई कम पीरियड तो नहीं होता जी। 2 साल में 2.5 साल में अगर सरकार ने तैयारी नहीं की तो कब तैयारी करेगी? अब 1.5 महीने से 2 महीने से रोज आपका चैनल भी चिल्ला रहा है, मीडिया चिल्ला रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं तैयारी करो तैयारी करो। ज्यादा तैयारी करने का तो कोई नुकसान नहीं है ना, आप ज्यादा तैयारी कर लो, ज्यादा बेड तैयार कर लो। अभी जैसे मैं कह रहा था कि डॉक्टरों की पोस्टें खाली हैं, पैरामेडिकल पोस्ट खाली हैं, जो डॉक्टर टेम्परेरी सेकेंड वेव में लगाए गए थे, पैरामेडिकल स्टाफ लगाया गया था, उनको 2 महीने के बाद तनख्वाह मिलनी बंद हो गई थी, उनका रोज आता था कि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, अब सब हटा दिए गए हैं। अब उनको दोबारा लगाया जाएगा, जब थर्ड वेव निकल जाएगी तब जाकर के लगाया जाएगा, क्योंकि सरकार की एक प्रक्रिया है रिक्रूटमेंट की और ये करने की, उसमें समय लग जाता है। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, सरकार बिल्कुल भी जितनी गंभीर होनी चाहिए उतनी गंभीर नहीं है। सरकार को इकोनॉमी नजर आती है और हेल्थ और एजुकेशन सरकार की प्रायोरिटी कभी नहीं रही, अभी भी नहीं है। अगर हम चुनौती बन सकती है डॉक्टर साहब का जो यूनियन गवर्नमेंट का बजट देखें जी, 2,37,000 करोड़ रुपए का सिर्फ बजट था, जो पिछली बार से कहते हैं 37% ज्यादा था, लेकिन 37% ज्यादा इसलिए नहीं था कि उसमें वैक्सीनेशन भी शामिल है, 40% तो वैक्सीनेशन खा गया, स्वच्छता अभियान भी उसी बजट में डाल दिया। तो असल में कोई इंक्रीज नहीं था बजट में, होना चाहिए था इंक्रीज, ये मौका था स्वास्थ्य सेवाएं सुधार करने का जी। एक विपदा में हमें स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत ज्यादा सुधार होना चाहिए था, बेड कम से कम 20-30% बढ़ने चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि बेड 5-10% से ज्यादा नहीं, बेड नहीं बढ़े जी। कहने कहने को आप कह दो इतने एम्स बना दिए, इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ, और जिला स्तर से नीचे के जो अस्पताल है, CHC है, PHC है, उनका तो काफी बुरा हाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं जी। और डॉक्टर सतबीर, यहाँ पर आएगी कोई भी महामारी जब आती है जी, तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा सेटअप ठीक नहीं है। बिल्कुल, प्राइवेट सेटअप के बहाने महामारियां नहीं चलती, महामारी हमेशा सरकारी सेटअप से चलती है, सरकारी सेटअप मजबूत करना पड़ेगा, और प्राइवेट सेटअप पे हम डिपेंड नहीं कर सकते, गरीब आदमी खास तौर से प्राइवेट सेटअप में नहीं जा सकता जी। डॉक्टर सतबीर, मैं आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगा, जिस तरीके से हमारे दर्शक करीम खान बता रहे थे कि चुनाव आयोग से कहकर चुनाव को रद्द कराना चाहिए, और आपने भी एक प्रतिक्रिया दी कि चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्टिव नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों के बीच अगर चुनाव कराया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो कितनी बड़ी संवेदनहीनता के तौर पर इस पूरे मसले को देखा जाए, क्योंकि खासकर जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में चुनाव रद्द होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है? रद्द हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन चुनाव में सख्ती होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सख्ती नहीं होती, होना ये चाहिए कि डिप्टी कमिश्नर को जब पावर दी हुई है इलेक्शन के दौरान,
मुख्यमंत्री स्टेज पे बोल रहा है, लोगों के मास्क नहीं लगे हुए, उसको तुरंत रैली कैंसिल कर देनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। पिछले बंगाल के चुनाव में ऐसा कुछ नहीं हुआ, झारखंड के चुनाव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है डॉक्टर साहब, ये चाहिए जो पार्टी नहीं मान रही उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, तुरंत एग्जेम्पलरी कार्रवाई होगी। 4 दिन हफ्ते के लिए किसी आदमी को प्रचार से निकाला जाएगा, बाकी अपने आप सुधर जाएंगे। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अफसर की क्या हिम्मत है मुख्यमंत्री पे या मंत्री पे कार्रवाई कर दे। बिल्कुल सही बात है। इस बीच हमारे साथ एग्जेम्पलरी कार्रवाई नहीं होगी, ये चीजें नहीं रुकेंगी। बिल्कुल, और लोग उसी चीज को देखते हैं मीडिया में, रोज चैनल पे आ रहा है, एक स्टेज पे बैठे हैं 2 घंटे तक, किसी का मास्क नहीं लगा हुआ, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। फोटो खिंचवाने के लिए तो आप कह सकते हैं जी फोटो खिंचवाते वक्त उतार लिए थे, लेकिन जब वीडियो लाइव आ रहा है और उसमें लोग देख रहे हैं कि 1.5 घंटे का प्रोग्राम है, 1 घंटे का प्रोग्राम है और किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, बिल्कुल, तो लोगों को क्या मैसेज उल्टा जाता है। बड़ी चुनौती है, एक बड़ी चुनौती है, और मैसेज जो जा रहा है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में डॉक्टर सतबीर गलत जा रहा है। बहुत सही बात आपने कही है। एक दर्शक और है हमारे साथ, देवेंद्र नारनौल से। आपसे सर मैं और भी सवाल लूंगा। देवेंद्र नारनौल से पहले उनका सवाल ले लेते हैं कि आखिर क्या कुछ पूछना चाहते हैं वो। देवेंद्र जी स्वागत है, अपना सवाल करिए। जी देवेंद्र जी स्वागत है, सवाल करिए अपना। हेलो, आवाज आ रही है जी? नमस्कार, आवाज आ रही है आपकी? आज नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, मैं आपको ये कह रहा हूँ, अब जो अभी सरकार के पास, हाँ सर, नमस्कार सर। देवेंद्र जी आपकी आवाज आ रही है, टेलीविजन सेट का ऑडियो थोड़ा सा कम कर लीजिए और अपनी बात रखिए आराम से। हाँ मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, अब सभी विभागों में वैकेंसियां खाली पड़ी है, कोई बात नहीं है, पर देश में महामारी आ रही है तो कम से कम स्वास्थ्य विभाग में तो कंपाउंडर वगैरह, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर वगैरह चाहिए, एडहॉक पे रखकर। बिल्कुल आपने सही बात कही देवेंद्र जी, बिल्कुल सही बात है, यही हम चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर सतबीर भी यही कह रहे थे कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जो खाली पद पड़े हैं उनको भरा जाए और जल्द से जल्द। उम्मीद करेंगे कि आपका जो सवाल है वो सरकार के कानों तक पहुंचेगा और सरकार उसमें जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कार्रवाई करेगी और रिक्त जो पद हैं उनको भरने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल रखने के लिए। डॉक्टर सतबीर, हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि कोरोना का वेरियंट, जैसा कि आपने एक बात का जिक्र किया कि न्यू वेरियंट जो है ओमिक्रॉन, इससे ज़्यादा मॉर्टेलिटी रेट नहीं है, यानी कि ये ज़्यादा घातक नहीं है, लेकिन सर इसमें एक सवाल ये बन जाता है कि म्यूटेशन हो रहा है और म्यूटेशन जिस तरीके से कोविड में हो रहा है, इसके वेरिएंट्स में हो रहा है, ऐसे में कुछ भी आगे तक कह पाना कि फ्यूचर में कैसा होगा, ये एक बड़ी चुनौती हर डॉक्टर के लिए है, क्योंकि सेकंड वेव में भी यही हुआ था, म्यूटेट हुआ था कोविड, वेरिएंट म्यूटेट हुआ, फिर डॉक्टर पहचान नहीं पाए कि क्या कुछ होगा, उसके बाद वो हाथ से बाहर निकल गया, यानी कि रफ्तार पकड़ ली उसने और काफ़ी ज़्यादा लोगों को संक्रमित करने लगा, नतीजा पूरे देश के सामने था। ओमिक्रॉन अभी हल्का नज़र आ रहा है, क्या अगर पुराने वेरिएंट की बात की जाए, क्या उससे मिलकर या फिर म्यूटेट होकर ये खतरनाक रूप भी ले सकता है, और अगर खतरनाक रूप लिया तो कितनी बड़ी चुनौती सरकार के लिए बन सकती है और आम लोगों को इसमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा, हर जीव बचने की कोशिश करता है, एक मक्खी मच्छर है, कॉकरोच है, कोई भी कीड़ा मकौड़ा है, कोई भी जीव है, उसकी टेंडेंसी है वो अपने आप को म्यूटेशन करता रहेगा, वेरिएशन करता रहेगा, ये चोर सिपाही का खेल है जी। जीव तो अपनी म्यूटेशन कर रहा है, वो तो अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है, लेकिन हम अपने आप को स्ट्रांग नहीं बना रहे, यहाँ पर कमी है। हम मास्क नहीं पहन रहे, हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पहन रहे, हम बेकार के फंक्शन कर रहे हैं, शादी में फंक्शन में ज्यादा लोग आ रहे हैं, बंद कमरों में शादियां कर रहे हैं, और मॉल पे और रेस्टोरेंट पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, और मंडियों में जो हाल है। अब दिक्कत सबसे बड़ी है कि अफसर या राजनीतिक आदमी ये बात मानते ही नहीं है कि मंडी में पालन नहीं हो रहा इन बातों का। कोई मंडी हो या मॉल हो या कोई बाजार हो, वहां पर सरेआम कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, सबको पता है, तो आदेश जारी करने का, निर्देश जारी करने का क्या फायदा जब उनको कोई मान ही नहीं रहा। तो ज्यादा ही जरूरी ये है कि एनफोर्समेंट उनकी हो डायरेक्शंस की, सबको पता है मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, उसको एनफोर्स कराया जाए, वो बहुत जरूरी है। और उल्टी चीज यहाँ पर यह है कि ये बहुत तेजी से फैलता है, डेल्टा वेरिएंट उतनी तेजी से नहीं फैलता था, लेकिन ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है माइल्ड जरूर है अभी तक ये जी। लेकिन तेजी से फैलता है, और हमें इस चीज के लिए भी तैयार होना चाहिए, जैसे हर जीव अपने आप में बदलाव करता है, कोरोना अपने आप में बदलाव करता रहेगा, अपने लिए नए शस्त्र वो तैयार करता रहेगा, और हमें भी नए शस्त्र तैयार करने चाहिए, और शस्त्र बहुत आसान से है, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग करनी, लंबी चौड़ी कोई बात ही नहीं है, और वो भी अगर हम नहीं कर सकते
फिर हम इसको जा करके बाहर से बुला रहे हैं। हम ये तीसरी वेव आई नहीं, हमने बुलाई है उसको, पकड़ के कोरोना को बाहर से पकड़ के अंदर लेकर के आए हैं, आ जाओ हमारे पास आओ, क्योंकि हम लापरवाह हैं। बिल्कुल, ऐसे में आपने बिल्कुल सही कहा है, लापरवाही कहीं ना कहीं खतरे का घंटी हो सकती है, अलार्म हो सकता है, क्योंकि अगर लापरवाही अगर आप बरत रहे हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए, केंद्र सरकार की बात की जाए, प्रधानमंत्री मोदी खुद राष्ट्र के नाम संबोधन में एक बात कह चुके हैं कि इसको ज्यादा मतलब पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सतर्क और सावधानी की उन्होंने बात कही है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं की भी वो लगातार बात कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से सतर्क है। हम आज इसी मसले पर चर्चा कर रहे हैं कि कोविड कहीं ना कहीं अभी तक पूरी तरह से गया नहीं है, साल 2020 से जबकि इसकी शुरुआत हुई है लगातार ये बढ़ता जा रहा है, म्यूटेशन इसमें लगातार देखने को मिल रहे हैं। सेकेंड वेव में भी कई लोगों ने अपनों को खोया, अपने परिजनों को खोया। परिवार में जब कोई किसी का जाता है तो उसका दुख क्या होता है ये जिस पर पड़ती है उसे ही पता लगता है। ऐसे में आपको सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए हम कोविड के इस न्यू वेरिएंट पर चर्चा कर रहे हैं कि आप आखिर कौन सी वो सावधानियां बरतें जिससे कि आप सुरक्षित रह सकें, क्योंकि सरकार लगातार गाइडलाइंस जारी कर देती है, इन्फोर्समेंट नहीं है, जिससे कि डॉक्टर सतबीर भी बता रहे हैं लोग भर्ती नहीं है स्वास्थ्य विभाग में, बड़ी चुनौती है हरियाणा में भी, और अगर पूरे देश की बात की जाए तो कहीं ना कहीं तस्वीरें सेकेंड वेव में उलट ही आई थी। ऐसे में तीसरी लहर की जो खतरा है वो कितना ज़्यादा भयावह हो सकता है इसका अंदाजा सेकंड वेव से आप लगा सकते हैं, इसको हल्के में लेने की बिल्कुल भी गलती ना करें। डॉक्टर साहब, क्या माना जाए कि वैक्सीनेशन अभियान जो है वो पूरी तरह से पूर्ण निदान है इस कोविड को कोप अप करने के लिए, क्योंकि ये खबरें भी आई थी कि दो वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों में सिम्टम्स पाए गए थे कोरोना के, लेकिन मॉर्टिलिटी और अफेक्ट करने के रेट अगर की बात की जाए तो वो ज्यादातर अफेक्ट नहीं कर पाया था जिनके दोनों वैक्सीन लगी थी, दोनों डोज लगी थी, पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये कि क्या बूस्टर डोज लगाना जिनके दोनों डोजेज लग सकी हैं वो लगा पाएंगे, या फिर किसी के एक लग चुकी है वो भी बूस्टर डोज लगा सकता है, वो आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक आपने सवाल उठाया। पहली बात तो ये, अभी दो डोज ही नहीं लगी है, हमारा वैक्सीनेशन अभियान बहुत स्लो चल रहा है। कहने को आप कुछ ही कहते रहो इतने वैक्सीन लग गए इतने लगे, इजराइल में, फ्रांस में, जर्मनी में, सिंगापुर में 99% लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है, और हम अभी 50% पे बैठे हैं, तो 50% को तो लगी नहीं है या 50% को आधी लगी है, तो हमारी अभी पहली डोज ही पूरी नहीं हो रही, लेकिन बूस्टर डोज की भी जरूरत पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, कुछ लोग ना वैक्सीनेशन लगवाते नहीं है जी। तो वो ये कहते हैं वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी फलाने को कोरोना हो गया। अगर कोई 1000 में से 2 आदमियों को कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी हो गया तो एक तो कम चांसेस है होने के, एक बात। नंबर 2, जो हो भी रहा है तो माइल्ड है वो, मतलब डेथ होने के चांसेस कम है, ये नहीं हम कहते डेथ नहीं होगी, लेकिन डेथ होने के चांसेस डेफिनेटली कम है, तो इसलिए वैक्सीनेशन जरूर लगानी चाहिए। और हमारे पास हथियार है ही नहीं कोई, हमारे पास हथियार वैक्सीनेशन है, और हमारे पास हथियार मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, और ये हम अगर नहीं कर रहे, और सरकार ये नहीं कह सकती कि लोग नहीं मानते, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, लोग नहीं मानते, मनाने वाले तो आप हो, जब आप खुद ही नहीं मान रहे, आप खुद पब्लिक मीटिंग में बेकार की मीटिंगें करते हो, इकट्ठे होते हो, वीडियो इकट्ठे इकट्ठे फोटो खिंचवाते हो, सोशल डिस्टेंसिंग सरकार के मंत्री और सरकार के अफसर नहीं कर रहे, तो लोगों से क्यों अपेक्षा करते हो आप? पोस्टें आपकी भरी नहीं हुई, जो आपने टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाए थे वो आपने खत्म कर दिए, रोज एजिटेशन होता है, नर्स कहती है हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, स्वीपर कहते हैं हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, इस प्रकार के लोग रोज की एजिटेशन आ रहे हैं, फिर आप कहते हो वो कोरोना वॉरियर हैं और उनपे आप परवाह नहीं कर रहे, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है जी। डॉक्टर सतबीर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स की बात की जाती है, हालांकि बात की जाए प्रिकॉशन डोज की भी, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में बात कही थी कि प्रिकॉशन डोज लगाए जाएंगे, फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी उन्होंने डोजेस लगाने की बात कही थी, लेकिन सवाल यह है कि जब देश की आधे से ज़्यादा आबादी को डबल डोज ही नहीं लगी, यानी दोनों डोजेज नहीं लगी हैं, तो ऐसे में इस चुनौती से कैसे निपटा जाए एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर सर, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की अगर बात कर लें तो एक तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनके सामने जब चुनौती आ रही है 2,00,000 केसेस 24 घंटे में आ रहे हैं, ऐसे में अगर भारत में स्थिति अगर और ज्यादा बिगड़ती है और केसेस बढ़ते हैं तो एक बड़ी चुनौती हो सकती है आने वाले समय में। अगर अमेरिका और ब्रिटेन वाला हाल भारत में हुआ तो बहुत बुरा हाल होगा। ये अमेरिका ही है जो 5,00,000 केस पर डे निपट रहा है, कोई छोटी चीज नहीं है 5,00,000 केस पर डे वहां पर आ रहे हैं, लेकिन लकीली डेथ कम है।
क्योंकि ओमिक्रॉन जो है लंग्स को कम इन्फेक्ट करता है, ऊपर की ट्रैक को ज्यादा इन्फेक्ट करता है। सर लास्ट रिएक्शन आपसे कुछ बहुत ज्यादा है जी, लास्ट रिएक्शन में आपसे लेना चाहूंगा। अगर भारत में ऐसा हाल हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। और खास तौर से स्लम्स में, पेरिफेरी में, छोटी जगह पर उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आग की तरह तेजी से फैलता है वो, मतलब ये नहीं कि चार दिन में फैलेगा, वो घंटों के हिसाब से इतनी तेजी से फैलता है। डॉक्टर सदीर बहुत तेजी से फैल रहा है और इसका अंदेशा लगी गया है क्योंकि 24 घंटे में 27,553 नए मरीज सामने आ चुके हैं। डॉक्टर सदीर आपसे लास्ट रिएक्शन चाहूंगा, बहुत कम शब्दों में क्योंकि समय सर बहुत कम है, कुछ आप संदेश देना चाहें देशवासियों को ऐसी स्थिति में क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, लगभग आ चुकी है, ऐसे में कुछ आप लास्ट संदेश देना चाहें। वैक्सीन जरूर लगवाएं, गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलें, 6 फुट की दूरी रखें अगर निकलना जरूरी हो तो, और मास्क जरूर लगाएं। ठीक है बस ये सबसे बड़े, ये अगर इतना ही हो जाएगा तो आप कोरोना से बचे रहेंगे। चले बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर सिम्टम हो तो टेस्ट करवाएं, और सरकार की ड्यूटी है कि जिस जो पॉजिटिव निकलता है उसको आइसोलेट करें, उसके कॉन्टेक्ट ट्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करें। ज्यादा टेस्ट भी नहीं हो रहे, उनके कॉन्टेक्ट भी ट्रेस नहीं हो रहे, आइसोलेशन भी नहीं करी जा रही। ठीक है सर, तो ये काम सरकार का है। ठीक है, चले बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदीर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम अहम पहलुओं पर बात करने के लिए। सवाल आपका मैं आज हम बात कर रहे थे किस तरीके से ओमिक्रॉन से निपटा जाए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस लगातार कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दंश को झेल रहा है। अब भारत में ये दस्तक दे चुका है, लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में 27,553 नए मरीज सामने आए। ऐसे में आप सतर्क रहें, सावधान रहें और इस खतरनाक वायरस से अपने आप को सुरक्षित रखें। फिलहाल मेरे साथ सवाल आपका मैं इतना ही। नमस्कार।